कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन रखा गया। सांसद शंकर लालवानी की उपस्थिति में 12वीं की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इंदौर के सांसद ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया और छात्राओं को भविष्य में अपना लक्ष्य निर्धारित कर कुछ बनने के लिए प्रेरित भी किया। मुख्य अतिथि शंकर लालवानी और विशेष अतिथि प्रोफेसर सूरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सांसद शंकर लालवानी ने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर टारगेट अचीव करने के लिए कहा और साथ ही कहा कि मोबाइल और इंटरनेट ज्ञान अर्जित करने के लिए है। 12th के बाद छात्र जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है और किस समय मनोरंजन को छोड़कर छात्राओं को मेहनत करना चाहिए, यह सब अपने उद्बोधन में बताया। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का फैकल्टी, हमारे इंदौर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा रहती है। यहाँ तक कि कई बार मैं रवि भाई को फोन लगा के बोलता हूँ कि बच्चों का एडमिशन करना है, पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद अगर अप टू द मार्क होगा तो हम बिल्कुल एडमिशन लेंगे। तो उस समय थोड़ी देर के लिए हमको लगता होगा कि क्यों रवि भाई ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन बाद में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सही करा आपने कि वाकई में जो अप टू द मार्क हो उनको एडमिशन मिलना चाहिए। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। आप देखिए कितने बच्चे पूरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनमें से सबसे सौभाग्यशाली में से हो कि जहाँ इतना अच्छा आपकी फैकल्टी, आपका स्टाफ और आपका एटमॉस्फेयर है।